ये एनआई का एक 2012 का केस था, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और थाने में पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में वह थाना से हिरासत से वह भाग गया। पटना के गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपी मेहर आलम को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। एनआईए को चकमा देकर हुआ था फरार। एनआईए की गिरफ्त से भागा 10 साल बाद फिर से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान हुए बम ब्लास्ट मामले में मुजफ्फरपुर एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की संयुक्त छापेमारी में जिले के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिधौली गांव से शनिवार की रात बम ब्लास्ट के आरोपी मेहर आलम को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। मेहर आलम के खिलाफ मुजफ्फरपुर के नगर थाना में 30 अक्टूबर 2013 को कांड संख्या 612/13 दर्ज किया गया था। तब से वह फरार चल रहा था। उस मामले की जांच कर रही एनआईए ने मेहर आलम को बम ब्लास्ट कांड में आरोपी बनाया था। इस मामले में एनआईए की टीम ने पूर्व में मेहर आलम को बतौर गवाह बनाकर अपने साथ ले गई थी और उसकी निशानदेही पर एनआईए ने 29 अक्टूबर 2013 को मुजफ्फरपुर के मीरपुर में छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद एनआईए की पूरी टीम मेहर को लेकर मुजफ्फरपुर लौट गई थी। यहाँ के सिद्धार्थ लॉस में पूरी टीम मेहर को लेकर ठहरी थी। इसी बीच मेहर टीम को चकमा देकर फरार हो गया था। 2013 में फरार मेहर आलम 2023 में गिरफ्तार हुआ। बता दें चले कि 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में उस समय के गुजरात सीएम और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित की गई थी। सभा से पहले ही पटना जंक्शन गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी और कुल 82 घायल हो गए। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपा गया था। ये एनआईए का एक 2012 का केस था बम ब्लास्ट का। उसी केस में इसको 2013 में अक्टूबर 13 में पूछताछ के लिए मेहर आलम पिता महबूब आलम जो सिंघौली थाना एपीएम का रहने वाला है उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और थाने में पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में वह थाना से हिरासत से वह भाग गया, जिस संदर्भ में मुजफ्फरपुर नगर थाने में 612/13 कांड संख्या दर्ज किया गया। फलस्वरूप कल दिनांक 20/5/23 को पटना एसटीएफ की टीम दरभंगा पुलिस बल की सहायता से एपीएम थाना के सहयोग से उसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई और गिरफ्तार कर उसे अपने साथ ले गई।